हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता। चलिए इनसे जानते हैं, बंगाल में आज चौथे चरण का वोट है, क्या उम्मीद है आपको कि क्या जीत पाएगा या इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, वहाँ पे चुनाव हो रही है और हमारा भी अलायंस लेफ्ट के साथ में है और पूरी शक्ति से हमारे नेता और जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो हमारे स्टार कंपेनर है वहाँ पे, और स्थानीय लोग, सारे लोग मिल करके कंपेन कर रहे हैं। चौथा चरण का मतदान अभी चालू है। सुबह 9:15 जब हो रहा था तो मैंने कुछ लोगों से बंगाल में संपर्क किया था, उस समय लगभग 15.5-16% पोलिंग हुआ था और अभी जैसे जैसे बता रहा था कि वहाँ के लोग की लंबी लाइनें लगी हुई है। ये तो निश्चित है कि वहाँ के लोग जागरूक है और अपना मत का प्रयोग करते हैं। अब मत का प्रयोग राज्य के हित में और राष्ट्र के हित में वहाँ पे हो रही है। हमारे उम्मीदवार भी सब जगह खड़े हैं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार भी सारे जगह खड़े हैं। अब 2 तारीख को जो उसका निर्णय आएगा तो निश्चित तौर पर उस समय साफ हो जाएगा, मगर पूरे ईमानदारी पूरे शक्ति से वहाँ पे चुनाव हम लोग लड़ते हैं। ये सुखदेव और बल्लू की वापसी में केंद्रीय नेतृत्व पर लटका हुआ, इस पर आपको क्या लगता है कि उनकी वापसी होनी चाहिए या नहीं? सुखदेव कौन? अगर कौन है, एक हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस पार्टी में, सुखदेव भगत शायद वो हों, और प्रदीप बालमुचू जी वो भी अध्यक्ष रहे थे। तो वैसा कुछ नहीं है, जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व इस चीज़ पर निर्णय लेगी उसका हम लोग स्वागत करेंगे, और एक कार्यकर्ता के रूप में जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे सारे लोग काम करेंगे। और सर, आप तो खुद एक प्रोफेसर है, तो इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो स्टूडेंट लोगों का कहना है कि कोचिंग संस्था को खुला रखें, इसमें आपकी क्या राय होगी? देखिए, मैं स्टूडेंट की तरह बात करूंगा और एक स्टूडेंट के जैसा ही आपसे बोलूंगा। निश्चित तौर पर अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, ये तो सेकेंड राउंड जो चला अभी, ये तो काफ़ी विस्फोटक है पूरे भारत के लिए, अपने झारखंड में भी। तो मैं छात्रों को ये चाहूँगा कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें आप बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड पर बैठकर पढ़ना और एक मोबाइल पर या लैपटॉप पर लेकर पढ़ना या डेस्कटॉप पर लेकर पढ़ना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये क्लासेस जब ऑफलाइन होती है तो हम जैसे आपके साथ बैठ कर पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे में डिस्कशन भी होती है, तो कुछ बेनिफिट होता है, मगर ऑनलाइन में नहीं हो रहा है। मगर समय ऐसा है भारत का, अभी इस जो बीमारी चला हुआ है, कोरोना का जो वायरस है जो पूरे देश को परेशान कर रखा है और काफ़ी संख्या में लोग मर भी रहे हैं, तो छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शिक्षा कैसे ग्रहण कराएंगे? तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मजबूत बनाना है। तो अभी अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसे करना चाहिए, और जब सामान्य हो जाएगा वातावरण या जो कोविड का प्रभाव, तो निश्चित तौर पर ऑफलाइन क्लासेस होगी, लोग जोर से पढ़ेंगे और हमारे जो शिक्षक है अलग अलग कॉलेजेज में, पूरे राज्य के विश्वविद्यालय में, वो पूरे ईमानदारी से फिर उनके पीछे लगेंगे। तो सर, ये जो कोरोना की बात कही कि इसका प्रकोप जितना भी बढ़ रहा है अभी, तो आपको नहीं लगता चुनाव रैली जितनी भी हो रही वहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपने एक अच्छा सवाल मुझसे किया है। सबसे पहले इस कोरोना के वैश्विक महामारी में भारत सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि कैसे अपने भारत के जनमानस को हम स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, मजबूत रखें, अच्छा रखें, इससे वो संक्रमित ना हो। दूसरा सवाल ये बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या दायित्व तो नहीं है कि इतना वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की बातें माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए दिन करते हैं और बैठते हैं जब वो राष्ट्र को संबोधित करना या मन की बातें करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं कि 2 गज की दूरी रहे, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को। तो जब उनका रैली होता है तो लाखों लोगों को जब बुलाया जाता है पैसा दे करके, जैसे बंगाल में सुन रहा था मैं, तो क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या राष्ट्र के प्रति समर्पित इस देश की जनमानस को सुरक्षा का दायित्व प्रधानमंत्री महोदय को नहीं है? उनसे ये सवाल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये सवाल होना चाहिए कि आपने इस प्रकार कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद भी आपने बाय इलेक्शन और 5-5 स्टेट में इलेक्शन क्यों कराया? ये सवाल भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए।
निश्चित तौर पर अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, ये तो सेकेंड राउंड जो चला अभी, ये तो काफ़ी विस्फोटक है पूरे भारत के लिए, अपने झारखंड में भी। तो मैं छात्रों को ये चाहूँगा कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें आप बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड पर बैठकर पढ़ना और एक मोबाइल पर या लैपटॉप पर लेकर पढ़ना या डेस्कटॉप पर लेकर पढ़ना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये क्लासेस जब ऑफलाइन होती है तो हम जैसे आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे में डिस्कशन भी होती है, तो कुछ बेनिफिट होता है, मगर ऑनलाइन में नहीं हो रहा है। मगर समय ऐसा है भारत का अभी, इस जो बीमारी चला हुआ है कोरोना का जो वायरस है जो पूरे देश को परेशान कर रखा है और काफ़ी संख्या में लोग मर भी रहे हैं, तो छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मजबूत बनाना है, तो अभी अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसे करना चाहिए, और जब सामान्य हो जाएगा वातावरण या जो कोविड का प्रभाव, तो निश्चित तौर पर ऑफलाइन क्लासेस होगी, लोग जोर से पढ़ेंगे और हमारे जो शिक्षक है अलग अलग कॉलेजेज में पूरे राज्य के विश्वविद्यालय में, वो पूरे ईमानदारी से फिर उनके पीछे लगेंगे। तो सर, ये जो कोरोना की बात कही कि इसका प्रकोप जितना भी बढ़ रहा है अभी, तो आपको नहीं लगता चुनाव रैली जितनी भी हो रही वहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपने एक अच्छा सवाल मुझसे किया है। सबसे पहले इस कोरोना के वैश्विक महामारी में भारत सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि कैसे अपने भारत के जनमानस को हम स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, मजबूत रखें, अच्छा रखें, इससे वो संक्रमित ना हो। दूसरा सवाल ये बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या दायित्व तो नहीं है कि इतना वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की बातें माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए दिन करते हैं और बैठते हैं जब वो राष्ट्र को संबोधित करने या मन की बातें करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं कि दो गज की दूरी रहे, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को। तो जब उनका रैली होता है तो लाखों लोगों को जब बुलाया जाता है पैसा दे करके, जैसे बंगाल में सुन रहा था मैं, तो क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या राष्ट्र के प्रति समर्पित इस देश की जनमानस को सुरक्षा का दायित्व प्रधानमंत्री महोदय को नहीं है? उनसे ये सवाल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये सवाल होना चाहिए कि आपने इस प्रकार कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद भी आपने बाई इलेक्शन और 5-5 स्टेट में इलेक्शन क्यों कराया। ये सवाल भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ